नवरात्र के पावन अवसर पर सती चौरा दुर्गा मंदिर समिति द्वारा भव्य नवकन्या भोज का आयोजन किया गया। इससे पहले समिति द्वारा सभी उपस्थित बच्चों को सजा धजा कर गंज मंडी से एक साथ शोभा यात्रा निकाल पंडाल स्थल तक पहुंचाया गया। दुर्ग के सती चौरा दुर्गा मंदिर समिति द्वारा हर साल नवरात्र के अवसर पर विभिन्न आयोजन के साथ ही भव्य कन्या भोज कराकर उपस्थित सभी बच्चों को उपहार वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में करीब 2200 बच्चियों को भव्य कन्या भोज कराया गया। इस अवसर पर शहर भर से सभी उपस्थित कन्याओं को दुर्ग के पुरानी गंज मंडी में सजा धजा कर माता की चुनरी उड़ाई गई, जिसके बाद भक्ति की धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी बच्चों की उपस्थिति देखकर आगामी विधानसभा प्रत्याशियों ने भी अपने आप को रोक नहीं पाए और सभी नवकन्याओं के साथ बीच में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण वोरा और गजेंद्र यादव ने कन्याओं की शोभा यात्रा का फूल बरसाकर आशीर्वाद लिया। सभी महिलाओं से आग्रह है, बीच बीच में घुसे। भव्य पंडाल में उपस्थित सभी नव कन्याओं को मंदिर समिति द्वारा भव्य कन्या भोज कराया गया, जिसमें शहर के सभी समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर ली। इस दौरान बच्चों को भोजन वितरण करने बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया, तो वहीं बच्चों को उपहार वितरण करने शहर के जनप्रतिनिधि भी अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आए। इस मौके पर आए जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दशहरे की मैं सबको बधाई देती हूँ और सती चौरा वाली समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हर साल यहाँ कन्या भोजन कराते हैं और इतना बड़ा कन्या भोजन मैंने और कहीं नहीं देखा है, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व पर यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुंवारी कन्याओं को बुलाया गया और भारी संख्या में यहाँ कुंवारी कन्याएं बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो इस समिति को मैं बधाई देना चाहूँगी कि इतना अच्छा ऐतिहासिक कार्य करते हैं। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है कि कन्याओं को जो भोज कराया जाता है और देवी को बहुत माना जाता है, तो जिस तरह देवी को हम आज पूज रहे हैं, तो हम चाहते हैं 365 दिन इन कन्याओं की रक्षा भी की जाए, क्योंकि सिर्फ 9 दिन कन्या खिला देने से हमारी भरपाई नहीं होती है। हम ये चाहेंगे कि हर कोई इसमें आज सब बोलें कि हम इन कन्याओं की रक्षा हर 365 दिन करेंगे। जो कि छत्तीसगढ़ धर्म की नगरी के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग, जिसमें प्रतिवर्ष श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कन्या भोज का आयोजन श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। लगातार बढ़ते क्रम में यह कन्या भोज का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरीके से रोकी जाए और छोटी छोटी कन्या माताओं को ही नहीं, महिलाओं को, कन्या माताओं को, सभी को माता के रूप में पूजा जाए, इस आह्वान को लेकर श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति विगत कई वर्षों से कन्या भोज का आयोजन करती है। इस वर्ष कन्या भोज के इस आयोजन में 2000 से ज़्यादा कन्या माताएं एक साथ पुरानी गंज मंडी से माता के रूप में सजकर चुनरी ओढ़कर पूरे बाजे गाजे के साथ सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति लाया गया है और सभी समिति के सदस्यों द्वारा उनको भोजन कराकर
भेंट स्वरूप सामग्री देकर उनका पैर पड़कर विदा किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को लेकर देश में कन्या भ्रूण हत्या रुके और कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए, यही एक हमारा आह्वान है। इस आह्वान को लेकर पूरे शहर के सभी पार्षदों का विशेष सहयोग है, सामाजिक लोगों का सहयोग है, धार्मिक लोगों का सदस्यों का सहयोग है और शहर की जनता का पूरा सहयोग है, जो कि आज इस कदर और इस संख्या में 2000 से अधिक संख्या में प्रदेश का सबसे बड़ा कन्या भोज आयोजित हुआ है। सबसे बड़ा कन्या भोज का महायोजन सत्ती चौरा दुर्गा माँ दुर्गा हमारे भाई राजकुमार वर्मा जी कन्या डीमर जी नीना आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मैं पूरे गंजपारा सहित दुर्ग शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस आयोजन से संदेश दिया जाता है कि नारी का सम्मान, माता का सम्मान आज भी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में है और जो कन्याएं यहाँ आती है उनको पूजा जाता है और उनको सामग्री दी जाती है ताकि वो आने वाले समय में उसका उपयोग अच्छे से कर सके। मैं सभी दुर्ग नगर वासियों को, समिति के सदस्यों को, मंदिर समिति, दुर्गा उत्सव समिति सहित सभी पार्षद, पूर्व पार्षद सहित यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे आयोजन करके आपने दुर्ग की गरिमा को बढ़ाया और आने वाले वर्षों में भी यह उत्सव इसी तरह चलते रहे, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद जरूरी है। और मैं आज विजयदशमी पर्व की सभी को छत्तीसगढ़ वासियों को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।